तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं लूप्स। लूप मतलब कि एक ही कोड को बार बार आप रिपीट कैसे करोगे, ये आज की हमारा सेशन है। तो चलिए हम बात करते हैं। तो लूप में कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक ही डेटा शीट है, एक छोटा सा डेटा बना लेता हूं मैं यहां पे मंथ एंड प्रोडक्ट, एक छोटा सा डेटा बनाता हूं और ये डेटा मेरे कई सारे शीट्स पे हैं और जिसको एनालिसिस करने के लिए हमें कुलेट करना पड़ता है। कुलेशन समझते हैं ना, कुलेशन क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपको आपकी कंपनी के तीन ब्रांच है और तीनों ब्रांच का डेटा आपको अलग अलग भेजा गया है, लेकिन आपको जब एनालिसिस करना है, समरी निकालना है, तीनों को एक साथ मर्ज करना है, मतलब इकट्ठा रखना पड़ेगा ताकि आप उसको एनालिसिस पिवट के द्वारा या किसी और चीज के द्वारा निकाल सके। वैसे मेरे पास पांच डेटा है डिफरेंट शीट्स पे। अब मुझे ये पता निकाल करना है कि जनवरी का प्रोडक्ट वन का ओवरऑल सेल क्या है। तो इसके लिए मुझे सबको कॉपी करके इकट्ठा करना पड़ेगा। कि तो क्लिप बोर्ड में मैंने बताया था आपको कि अगर आपको इकट्ठा करना है तो उसके लिए हम एक एक की कॉपी करते हैं या फिर क्लिप बोर्ड ऑन कर लेते हैं। तो मैनुअल मुझे कैसे करना पड़ेगा कि मैं इसको कॉपी करूंगा, डेटा पे जाऊंगा, यहाँ कर्सर रखूंगा, पेस्ट करूंगा, फिर अगेन वापस दूसरे शीट पे आऊंगा, डेटा को कॉपी करूंगा और फिर यहाँ पे इसको पेस्ट करूंगा। ऐसी चीज कंटिन्यू चलते जाएगी। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास तो फिलहाल पांच सीट है, तो आई थिंक लग रहा है कि 5 मिनट या 10 मिनट लगेगा। बट आपके पास अगर इससे ज्यादा सीट हुआ तो कैसे करेंगे? तो प्रॉब्लम समझना आई आप लोगों को? यस सर। पुनीत जी, नेहा जी, आपको प्रॉब्लम समझना आई? यस सर। ओके, अब चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो डायरेक्ट आप लूप मत लगाइएगा, याद रखिएगा पहले हम मॉड्यूल से ऐड करते हैं कि जब भी हम मैक्रो बनाएंगे तो पहले हम कॉपी कर लेते हैं, एक टेस्टेड कॉपी करेंगे, एक टेस्टेड पहले बना लेंगे कि सीट वन पे जाना है, रेंज को कॉपी करना है और यहाँ पे आके पेस्ट करना है। सिंपल सा मेथड है। Yes, सीट वन पे जाना है, एरिया को कॉपी करना है और डेटा पे आके पेस्ट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे शीट और शीट्स में हम देंगे पहला शीट, क्योंकि सीट में क्या होगा हमें पता नहीं ना। सीट डेटा सीट है या डेटा वन है, डेटा टू कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने बोला कि दिस इज द फर्स्ट शीट, तो जो भी पहली पोजीशन वाली सीट होगी उस पर चला जाएगा। दूसरा सीट के लिए 2 दे दूंगा, तीसरे सीट के लिए 3 दे दूंगा, डॉट सेलेक्ट। उसके बाद हमने क्या किया, हमने किया रेंज ए वन और हमने यहां पे करेंट रीजन दे दिया, डॉट कॉपी। मतलब कि जो कंट्रोल ए करके कॉपी करते हैं ना, वो वाली बात हमने कर लिया। अब आपके पास अगर कोई और सिलेक्शन हो, किसी और तरह का डेटा हो, तो आप सिलेक्शन मेथड में जो चीजें मैंने पढ़ाई थी उसकी इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, राइट? यस सर। अब कॉपी करने के लिए डेटा शीट पे आना पड़ेगा। तो डेटा शीट पे हमने यहाँ पे आया कि शीट्स, और डेटा शीट हमारा फिक्स है, यहाँ पे हम डेटा लिख देंगे, डेटा डॉट सेलेक्ट या एक्टिवेट। फिर अब प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है कि हम इसको एक ब्लैंक सीट है, लेकिन हो सकता है कि इसमें पहले से कोई डेटा भी हो, या फिर जब दूसरा सीट कॉपी करेंगे तो मुझे एक के नीचे कॉपी करना है ना क्या? Yes, मान लीजिए कि यहाँ पे पहले से डेटा हो सकता है तो मुझे यहाँ पे कॉपी करना है ना। तो यहाँ पे रेंज हम कौन सा मेथड लगाएंगे, ए 65,000 यहाँ पे डॉट एंड यहाँ पे एक्सएलएस अप और क्या देंगे, ऑफसेट, ताकि अगली ब्लैंक सेल पे चले जाए, जिसके बारे में हम लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं।
और यहाँ पे हम पेस्ट स्पेशल कर देते हैं। हालांकि हम डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं कि डॉट सेलेक्ट और फिर यहाँ देंगे कि एक्टिव शीट डॉट पेस्ट। सर इसमें एंड एक्स वन अप क्यों दिया लिखा था? तो बताया था ना आपको लास्ट क्लासेस में, हमें नीचे यहाँ आना है ना कर्सर, तो नीचे से ऊपर जाएंगे ना हम, फिर एक नीचे आएंगे, भूल जाते हैं बहुत जल्दी। तो इस तरह से कर सकते हैं। तो क्या है कि पेस्ट जो है पार्ट है शीट्स का, शीट्स का मेंबर है, शीट्स का और शीट ऑब्जेक्ट का मेंबर है। तो आपको अगर पेस्ट करोगे तो इस तरह से करना पड़ेगा, लेकिन हमारे रेंज ऑब्जेक्ट का पार्ट है पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल जब हम करते हैं तो पेस्ट स्पेशल में हमारे पास होता है पेस्ट ऑल। तो जैसे कि कॉपी कर लिया आपने और कॉपी करके राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल करने अगर ऑल सेलेक्ट है तो जस्ट लाइक कॉपी एंड पेस्ट का जैसा ही परफॉर्म करता है। तो इससे क्या हुआ, हमारा एक लाइन की कोडिंग बच गई, राइट? यस। और यही नहीं, अगर मान लीजिए कि अगर आप एक दो लाइन भी बचा सकते हो कि मैं डायरेक्ट इसको यहां से भी दे सकता हूं, फिर एयर आने की जरूरत नहीं होगा, इसको हटा सकता हूं। सर हम जितने शॉर्ट लाइन लिखेंगे उससे हमारे कहते हैं मैक्रो के साइज पे भी इफेक्ट पड़ता है ना? साइज पे, साइज छोटा होगा रनिंग टाइम ज्यादा होगा। मान लीजिए एक कोड को परफॉर्म करने में कुछ मिली सेकेंड का फर्क तो लगेगा ना? यस। ज्यादा लाइन ऑफ कोड होगा उतना ज्यादा मिली सेकेंड बदल, उतना ज्यादा आपका प्रोसेसिंग टाइम लेगा। क्या? यस सर। जैसे मान लीजिए कि 500 शीट्स को कॉपी करने में आपको मान लीजिए कि एक मिनट लगा रहा है, तो 500 शीट को कॉपी करने के लिए आपने मान लीजिए 300 लाइन लिखा हुआ है। अगर वो 300 लाइन 200 हो जाए तो वो आपका एक मिनट से घट के आपका हो सकता है 50 सेकेंड या 45 सेकेंड हो जाए, क्योंकि 100 लाइन की कोड घट गई है, ठीक है? अब बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो कॉपी पेस्ट हो रहा है वो सिर्फ एक सीट पे हो रहा है। आप इसको अगर आप हम यूज करें यहां से तो सिर्फ एक सीट पे कॉपी पेस्ट हुआ, देखिए यहां पे पेस्ट कर दिया ना। अब मुझे सारे शीट के चाहिए तो फायदा तो मुझे इसको कॉपी करके जितने शीट है उतना पेस्ट करना पड़ेगा, और ये जो नंबर है वी चेंज द नंबर, तो तीन नंबर चेंज किया तो तीन सीट्स का डेटा को कॉपी पेस्ट करेगा, ठीक है? बट क्या है कि हमें ओवरऑल चाहिए, तो यहां पे क्योंकि हम इस तरह से डायनेमिक करना चाहते हैं ना, क्योंकि हमारा फिक्स नहीं है, कभी दो है कभी दस है, 500 है तो 500 बार तो लिखना मुश्किल है ना। तो यहां पे हम लूप लगाएंगे कि लूप I इक्वल टू 1 2, कितने शीट है? पांच शीट है तो पांच कर दिया, और यहां पे हमने कर दिया नेक्स्ट I, फिर भी ये आपका कॉपी नहीं करेगा क्योंकि एवरी टाइम वो सीट वन को ही करेगा ना कॉपी। बिल्कुल। yes. तो सर हम इसमें यहाँ पे फॉर लूप के अंदर यहाँ पे वो भी तो दे सकते हैं शीट डाउन। हाँ देख बताते हैं आपको, सबर रखिए ना। उससे पहले इम्पोर्टेंट है ना कि यहाँ जब फोर जो चलता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि आई के ऊपर एक काउंटर जो है काउंट को स्टोर रखता है, रखता है। यस सर। तो आई यहां पे हम दे देंगे तो हमारे सारे शीट को कॉपी पेस्ट कर देगा। क्लिक कीजिए, एक सेकेंड से भी कम टाइम में इसने पांचों शीट के डेटा को कॉपी पेस्ट कर दिया। अब इसमें दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम कि ये पांच ही शीट को कर रहा है, और कल के डेट में शीट बढ़ा तो अपने आप को नहीं बढ़ाएगा। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि ये हर डेटा की हेडिंग को कॉपी कर रहा है। तो हम पहले प्रॉब्लम के ऊपर आते हैं। तो हम यहाँ पे देखा कि हमारा जो डेटा शीट है सबसे लास्ट में है ना, तो मैं यहाँ पे करूंगा
यहाँ पे कि शीट्स डॉट काउंट माइनस वन. अब माइनस वन क्यों किया, क्योंकि शीट डॉट काउंट जो है छह दिखाएगा. हमने बोला छह से एक कम, क्योंकि जिसमें हमें कॉपी करना है वो हमारा सबसे लास्ट शीट पे. क्लियर? तो यहां पे हमने माइनस वन कर दिया. दूसरी चीज, अब बात करते हैं दूसरी कॉलम की. अभी अगर ऑटोमेट हो गया कि अगर 30 सीट हो या 300 सीट हो, बस कंडीशन यही है कि जो डेटा शीट है जिसपे डेटा कॉपी हो रहा है वो हमारा सबसे लास्ट में होना चाहिए. आपका क्लियर हो जाएगा, समझ गए? अब इसमें अगला जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि हेडिंग को भी कॉपी कर रहा है. तो उसके दो तरीके हैं कि आप कॉपी करते समय, जो आप कॉपी करते हो तो कॉपी करते समय आप सिलेक्शन मेथड का इस्तेमाल करके हेडिंग को कॉपी करो ही नहीं, बट ऐसा करने से आपको सिलेक्शन मेथड में ज्यादा कोड लिखना पड़ेगा. उससे बेटर है कि आप जब कॉपी करते हैं तो आपका पहला जो रो, जो हेडिंग वाला रो है वो हाईलाइट होता है, होता है ना? तो मैं यहां पे, अब इसके लिए मुझे फिर क्या करना पड़ेगा कि यहां से इसको हटाना पड़ेगा और हमें यहां पे इसको सिलेक्ट करके डालना पड़ेगा और यहां पे देना होगा कि एक्टिव शीट डॉट, एक्टिव शीट नहीं, माफ कीजिएगा, एक्टिव सेल, सेल डॉट एंटायर रो डॉट डिलीट. तो क्या करेगा, पेस्ट करने के बाद वो पहले सेल को, पहले जो सेल है उसका हर सेल को डिलीट कर देगा, राइट? बस इसके लिए आपको एक बार हेडिंग यहां रखना पड़ेगा. मैं इसको रन करता हूं, आ गया, समझ में आया? एक ही का हेडिंग रहा, बाकी का हेडिंग चला हट गया. नहीं, उसका हट गया मतलब हेडिंग. अब इस माइक्रो में भी दो प्रॉब्लम है. पहली प्रॉब्लम कि मेरा डेटा शीट जरूरी नहीं है कि सबसे लास्ट में हो, तो कहीं भी हो सकता है. इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करेंगे, तो उस केस में यहां से पहले हम माइनस को हटाएंगे और इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा कंडीशन, मतलब कि इफ फॉर्मूला. हम यहां पे करेंगे कि इफ एक्टिव, यहां पे लिखेंगे शीट्स और शीट्स में आई दिया डॉट नेम इज नॉट इक्वल टू डेटा, इन्वर्टेड कॉमा में डेटा, और जैसा सीक्वेंस लिखा है वैसा होना चाहिए. डी बड़ा, तो यहां भी डी बड़ा होना चाहिए. देन चले और नहीं कर देते हैं एंड इफ, ठीक है? तो हमने कंडीशन के अंदर डाल दिया है सारे कोड्स को कि ये सारे कोड्स तभी फॉलो होंगे जब सीट का नेम डेटा नहीं होगा, समझ गए? यस सर. सबको समझ में आया? एक बार फिर से बताइए सर, क्या बोल रहे थे? मतलब कि हमने आप कंडीशन लगा दिया कि एक कोडिंग जो भी परफॉर्मेंस है तभी फॉलो की जाएगी जब शीट का नाम डेटा न होगा, कॉपी करने वाला शीट का नाम डेटा न होगा. अच्छा, समझ गए? ओके, तो अब रन कीजिए. देखिए कॉपी पेस्ट हो गया. तो ये तो डेटा है, इसी में आया ना? हाँ, डेटा शीट में आया ना. डेटा शीट को कॉपी करके डेटा शीट में नहीं डाला, मना डेटा शीट को कॉपी करके डेटा शीट में डाल देता. अच्छा, ठीक है. अब दूसरा, हमें यहाँ सेपरेशन भी तो चाहिए कि डेटा किस शीट से आया है, उस शीट का नाम भी तो चाहिए. क्या? हाँ. तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा. जैसा कि मैंने बताया था कि वेरिएबल को हमेशा लूप से बाहर डिक्लेयर करना चाहिए और नाम है तो स्ट्रिंग होगा, राइट? अब यहां पे मैं करूंगा कि एस एन इक्वल टू एक्टिव, लूप से बाहर रखिएगा, जैसे कंडीशन से बाहर कि एक्टिव, एक्टिव शीट नहीं, यहां पे शीट
और इसके अंदर i डॉट नेम और फिर इसको यहां से सिर्फ एसेंड कर देते हैं, फिर देने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे आइए करता हूं। अब जैसे कि मान लीजिए डेटा कॉपी होगा, यहां से कॉपी होगा, अब जहां से डेटा कॉपी हो रहा है उसका सीट का जो नेम है उस सीट का नेम को हमने एसएन पे स्टोर कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हम डेटा शीट में गए और डेटा शीट में इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद फिर मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा कि यहां पे एफ कॉलन में यहां से यहां आऊंगा और यहां जाऊंगा, फिर पूरी एरिया को सिलेक्ट करूंगा, एक नीचे आऊंगा और इस पे एसएन की वैल्यू डाल दूंगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहां आते हैं रेंज एफ 65,000। अब एफ कॉलन हमारा फिक्स है, लेकिन अब हो सकता है कि आपके पास कॉलन ज्यादा या कम हो, डिफाइन ना हो, तो आप सिलेक्शन मेथड वाली जो xfd1.xlf मेथड है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि हमने सिलेक्शन मेथड की क्लासेस में सिखाई थी आप। डॉट एंड xless अप डॉट ऑफसेट, और ऑफसेट में हम रो कॉमा वन करते हैं, मतलब कि यहां से वो नीचे आएगा और एक कर्सर आगे जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने रो को जीरो किया, कॉलम को वन किया और लिखा डॉट सेलेक्ट। और फिर हम यहां पे लिखते हैं कि रेंज यहां पे एक्टिव सेल कॉमा एक्टिव सेल डॉट एंड एक्सेलेंस अप। अब एक्सेलेंस अप हो गया मतलब कि यहां ऐसे आ गया, लेकिन मुझे ऊपर का हेडिंग छोड़ना है ना, तो डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू एस एन, ठीक है। अब इसको एक बार परफॉर्म करता हूं, फिर आप कोड देखो, देखिएगा प्ले कर देता हूँ। हाँ कहीं पे दिक्कत है, स्पेलिंग मिस्टेक है, क्यों? अब देखिए कभी कोट कीजिएगा तो स्मॉल लेटर में कीजिएगा, कोट करने के बाद आपका जो पहला लेटर है वो कैपिटल में हो जाएगा। कैपिटल में हो गया मतलब कि कोड एग्जिस्ट करता है, अगर स्मॉल का स्मॉल रहा इसका मतलब है कि कोड एग्जिस्ट नहीं करता है, स्पेलिंग मिस्टेक है। तो जहां जहां से कॉपी हुआ है, सीट वन से कॉपी हुआ है, सीट टू, सीट थ्री, सीट फाइव आ गया। सर ये कोड एक बार फिर से बताइए जरा, तो आप देखिए क्या दिक्कत आ रही है, कोड बताइए। नहीं दिक्कत नहीं आ रही सर, हम वॉशरूम चले गए। देखिए हमने क्या किया, हमने बताता हूँ आपको, जैसे कि हमने डेटा कॉपी किया टाइम में, बताता हूँ आपको। यहां से डेटा कॉपी हुआ, डेटा सीट पे गया, एक नीचे गया, पेस्ट हुआ, पेस्ट होने के बाद ए यहां से डिलीट हुआ, ये प्रोसेस फॉलो हुआ। उसके बाद हमने क्या किया, एफ के 65,000 में गए, इससे ऊपर गए और एक रो यहां पे आया इस कोड की मदद से, ये 65,000 डॉट एंड एक्सेलेस अप ऑफसेट जीरो रो कॉलन है, तो यहां से जीरो रो मतलब रो नहीं चेंज करना है, कॉलन आगे बढ़ गया कॉलम। उसके बाद यहां पे बढ़ गया और कर्सर को ही रख दिया, फिर हमने बोला कि एक्टिव सेल से लेके एक्टिव सेल डॉट एक्सेलेस अप, एक्टिव सेल से लेके एक्सेलेस सेल एक्सेलेस अप यहां तक गया। और यहां पे देखा कि हमने हेडिंग भी सिलेक्ट हो रहा, हमारा हेडिंग नहीं सिलेक्ट करना है, तो हमने बोला कि एक्सेलेस अप जो गया गया है उससे ऑफसेट की मदद से एक रो नीचे आ जाओ, तो एक रो नीचे यहां पे सॉरी एक रो नीचे आ गया। अब इसकी पूरी की पूरी वैल्यू एसएन हो जाए, जो कि हमने यहां पे सीट का नेम स्टोर कर रखा है, ठीक है। अब इसी की यहां पे वेरिएबल्स की एक और इस्तेमाल आपने देखा कि हमने अपने वैल्यू को होल्ड कर लिया और वैल्यू को मुझे दो जगह चाहिए, तो दो जगह इस वैल्यू को मैंने यूज कर लिया,
तो वैल्यू सिर्फ कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होती है वेरिएबल्स को, वेरिएबल्स को हम लोग वो, क्योंकि अगर ऐसा ऐसा जरूरी था ये, क्यों? क्योंकि एस एन हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया, अब यहाँ पे भी हम इसका यूज कर लिए, उसके बाद देखा आपने यहाँ पे डेटा सीट एक्टिवेट हो गया, डेटा सीट एक्टिवेट हो गया, तो यहाँ पे सीट का नाम कॉपी लेना थोड़ा सा मुश्किल हो गया क्योंकि सीट हमारा चेंज हो चुका है, इसलिए वेरिएबल का इस्तेमाल जरूरी होता है। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को? कोई डाउट तो नहीं है? नहीं नहीं। और किसी को डाउट? नहीं। चलिए अब इसमें आप लोगों को एक प्रॉब्लम, मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, एक प्रॉब्लम मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं। प्रॉब्लम ये है कि हमने जो मतलब कि अभी फाइल यूज कर रहे हैं, इस फाइल के अंदर में जो भी फाइल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उस फाइल के अंदर में आप देख रहे हैं कि सबका डेटा सेम फॉर्मेट में है ना, सबका हेडिंग का सीक्वेंस और सब चीज एक जैसा है, ठीक है कि यहां पे सारा एक सीक्वेंस में है, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि आप लोग इसमें डेटा अलग अलग में, जैसे कि यहां पे देखिए 4 है, हो सकता है कि सीट 2 में डेटा में ऐसा हो सकता है कि 5 यहां पे ना होके यहां पे हो और 2 यहां नहीं होके यहां हो, तो आप ऐसा माइक्रो बनाया कि हेडिंग अगर मिसमैच हो तो फिर भी डेटा को सिक्वेंसली कैलकुलेट कर सकते। अच्छा